और उसमें ये स्पष्ट है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे या उस परीक्षे में फेल कर जाएंगे, वो नियोजित शिक्षक ही बने रहे। कोर्ट ने ये जरूर कहा कि हम परीक्षा के आयोजन या परीक्षा के औचित्य पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो सक्षमता परीक्षा ले रही है सरकार, तो उसके अधिकार की चीज है। देखिए, अब राजनीति में कौन सा मुद्दा क्लिक करता है, लोगों के मन में कौन सा मुद्दे का असर पड़ता है, ये तो समय बताता है ना। कोशिश तो सब लोग अपने अपने ढंग से मुद्दा बनाने की करते हैं, क्या परिस्थितियां इससे जाएंगे उनको वो? ये तो आजकल कहे ना, ये तो सामान्य प्रक्रिया ये भी हो गई है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसमें भी वो सिटिंग सांसद थे तो वो चले गए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राज मोहन तिवारी। देखिए, अभी से कुछ महीनों पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में एक कमेटी ने बिहार सरकार को अनुशंसा भेजी थी कि किस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, और इसके लिए कई नियम और शर्त रखे गए थे, जिसके खिलाफ नियोजित शिक्षकों का एक समूह पटना हाई कोर्ट में गया था, याचिका दायर की थी, और आज कोर्ट के तरफ से इस पर बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार से कह दिया है कि किसी भी नियोजित शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, यानी कि अगर वो परीक्षा में सम्मिलित होता है या फिर उसमें अनुतीर्ण हो जाता है, बावजूद इसके वो नियोजित शिक्षक बना रहेगा, सरकार किसी की नौकरी नहीं ले सकती है। तो एक बड़ी जीत नियोजित शिक्षकों की मानी जा रही है। हालांकि इस पर अब बिहार सरकार में मंत्री और पहले शिक्षा विभाग संभाल रहे विजय कुमार चौधरी ने जवाब दिया है और बताया है कि कोर्ट के अंदर पूरा माजरा क्या हुआ था, क्यों ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था, कोर्ट ने जो जवाब दिया है वो क्या है, क्या सचमुच सरकार जो है वो नियोजित शिक्षकों की नौकरी छीनने वाली थी। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि मंत्री विजय कुमार चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। आज पटना उच्च न्यायालय में नियोजित शिक्षकों के और जो सरकार सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर रही है उनको सरकारी शिक्षक बनाने के लिए, उस सिलसिले में एक फैसला आया है, और उस फैसले ने सरकार के सभी फैसलों को सही बताया है और आश्चर्य की बात है कि मीडिया के कुछ सेक्शन में या कुछ मतलब अपने एजेंडा पे चलने वाले लोगों के द्वारा इस खबर को या इस फैसले को भ्रामक तरीके से कुप्रचारित किया जा रहा है। अब उसमें कहा जा रहा है कि जो उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने से बचाया, कहा कि इनको हटाया नहीं जा सकता, सच्चाई ये है कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को कभी हटाने का फैसला ही नहीं किया था। मैं भी उस विभाग में था जिस समय वह नियमावली बनी थी, जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक सेवा नियमावली 2023 है, वो उसी वक्त बनी थी, और उसमें ये स्पष्ट है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे या उस परीक्षे में फेल कर जाएंगे, वो नियोजित शिक्षक ही बने रहे। मतलब स्पष्ट है कि वो सेवा से नहीं हट रहे थे, केवल फर्क ये था कि अगर परीक्षा नहीं देंगे या दे के फेल कर जाएंगे तब वो सरकारी शिक्षक नहीं बनेंगे, वो नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। सरकार का यही फैसला था और कोर्ट ने इसमें कोई तब्दीली नहीं की है, बल्कि हमारे शिक्षक लोग तो
उच्च न्यायालय गए थे सक्षमता परीक्षा के औचित्य को चुनौती देने के लिए, जो ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि नहीं, परीक्षा होगी, लेकिन अगर परीक्षा में फेल करते हैं या नहीं अपीयर होते हैं तो उनको हटाया नहीं जाएगा। तो हटाने का तो कभी फैसला ही नहीं हुआ था। तो ये इस तरीके से मीडिया में प्रचारित करना, ये खामखा अकारण सरकार को बदनाम करने की साजिश है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी मामले में सरकार ने ही उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया है कि हम किसी शिक्षक को सेवा से हटाने नहीं जा रहे हैं। तो सरकार तो आगे आगे कह रही है, तो कोर्ट ने क्या रोका? कोर्ट ने रोका क्या जो मीडिया में चल रहा है? हाँ, कोर्ट ने ये जरूर कहा कि हम परीक्षा के आयोजन या परीक्षा के औचित्य पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो सक्षमता परीक्षा ले रही है सरकार, तो उसके अधिकार की चीज है। इसलिए ये भ्रामक तरीके से जो एक सही फैसला आया है उसको कुछ लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट करके, विश्लेषण करके, बिल्कुल उसको गलत दिशा में मोड़ दे रहे हैं। और राज्यकर्मी में तो फर्क है ही ना। सबसे पहली बात फर्क समझिए कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनके नियुक्ता यानी एम्प्लॉयर यानी बहाल करने वाले, वो स्थानीय प्राधिकार के लोग होते हैं, पंचायत होती है, नगर निकाय होती है, जिला परिषद होती है। और यहाँ जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी, जो नियोजन प्राधिकार कहते हैं, वो सरकार होती है। सबसे बड़ा फर्क है। और यहाँ सरकारी वेतनमान लागू होता है, वहाँ फिक पे जो पुराने समय वाला है वो चला आ रहा है। तो फर्क तो बहुत है। और एक बार सरकारी सेवा में चले आते हैं तो सरकारी सेवा के सारे नियम खुद ब खुद उन पर लागू होते हैं। राज्यकर्मी जब बन जाएंगे तो एक घंटे का, राज्यकर्मी बन जाएंगे तो राज्यकर्मी वाले सभी नियम उन पर लागू होंगे। वो तो शिक्षा विभाग ने भी वो कई बार कह दिया है कि जो मुख्यमंत्री की घोषणा है उसे हिसाब से चलेगा। हरिहरनाथ के दर्शन भी पूरे परिवार ने किए, आज रोड शो भी था, क्या परिस्थिति लगता है लालू जी को? आपको आप लोगों को इसमें कोई चीज अप्रत्याशित या अस्वाभाविक क्या लगती है? ये तो लगभग सभी सीटों पर हमारे सारे उम्मीदवार अपने अपने ढंग से देवी देवताओं का आह्वान करके नामांकन करने जाते हैं। ये तो आम और अति स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है। उस पर अब ये कहा जा रहा है कि पारंपरिक सीट जो उनकी है इस बार शायद बच जाए, क्योंकि एक बेटी सामने आई है जिसने पिता के लिए बड़ा योगदान दिया है, जीवन दान दिया है, एक तरह से कहा जा सकता है। देखिए, अब राजनीति में कौन सा मुद्दा क्लिक करता है, लोगों के मन में कौन सा मुद्दे का असर पड़ता है, ये तो समय बताता है ना। कोशिश तो सब लोग अपने अपने ढंग से मुद्दा बनाने की करते हैं। सवाल है, लोगों को तो देखना पड़ेगा, जो सारण का विकास मुद्दा होगा, सारण के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन मुद्दा होगा, या कोई और, या कोई परिवार की बात मुद्दा होगा, ये तो लोग निर्णय करेंगे। अच्छा सर, मुजफ्फरपुर से जो सिटिंग सांसद हैं अजय निषाद जी, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, वहाँ भी परिस्थितियाँ कुछ क्या परिस्थितियाँ इससे जाएंगे उनको? ये तो आजकल कहे ना, ये तो सामान्य प्रक्रिया ये भी हो गई है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसमें भी वो सिटिंग सांसद थे, तो वो चले गए। अब वो जहाँ जाएंगे, अब वहाँ से अगर वो पार्टी कहेगी तो वो भी किस्मत आजमाएंगे। अंतिम फैसला तो जनता का हो। सर, मुकेश को लेकर काफी चर्चा नहीं आ रहा क्या इंडिया से? आप लोगों से कभी संपर्क नहीं? हम लोगों के यहाँ कोई चर्चा नहीं थी। हम लोगों से कोई चर्चा नहीं थी।
तो अभी आपने सुना सक्षमता परीक्षा और नियोजित शिक्षकों को लेकर जो कोर्ट का फैसला आया है उस पर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी क्या कुछ कह रहे थे, किस तरीके से वो सरकार का बचाव कर रहे थे, और उन्होंने ये बात लगातार दोहराई है कि देखिए सरकार ने जो नियम बनाया था उसमें भी नियोजित शिक्षकों से नौकरी छीनने की कोई शर्त नहीं रखी गई थी, यानी कि अगर वो सक्षमता परीक्षा में फेल भी हो जाते, जितनी बार उनसे परीक्षा ली जाती बावजूद उसके वो राज्यकर्मी का दर्जा हासिल नहीं करते लेकिन नियोजित शिक्षक बने रहते, और हाईकोर्ट के तरफ से इस पर मुहर लगाया गया है, ना कि किसी प्रकार से सरकार को डांट फटकार लगाई गई है। तो नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत है कि वो इस सक्षमता परीक्षा में अगर कामयाब नहीं भी हुए तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि वो राज्यकर्मी का दर्जा हासिल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करना ही होगा, लेकिन अगर वो पास नहीं करते हैं तो नियोजित शिक्षक वो बने रहेंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।